इधर उधर को देखिए, पंचायत चुनाव की प्रोसेस अपने को पता है कि उसमें आरक्षण का एक विषय, बैकवर्ड क्लास का जो ये काम ने आरक्षण किया था और महिलाओं का जो 50% प्रतिनिधित्व दिया था, पहले तो हाई कोर्ट में कुछ निर्णय होना शेष था वो हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के कारण से उन्होंने कहा कि यानी ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चुनाव कराया जाए। पहला उसमें था कि एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, हमने कमीशन बना दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक इकाई जो चुनाव वाली इकाई होती है उसकी आबादी का आंकलन करना चाहिए और उसके हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। वो हमने उस कमीशन ने रिपोर्ट हमको दे दी है, रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसके बाद ऑर्डिनेंस के बारे में हमने गवर्नर साहब को निवेदन किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब वार्डबंदी और वार्डबंदी के बाद रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन का काम भी सारे आंकड़े इकट्ठे करके वो करना शुरू कर दिया। डीसी ने करना था, ये पहले तो ऊपर से निर्धारित हो गया, हमने निर्धारित दिया सीटें, फिर आरक्षण डिप्टी कमिश्नर ने करना है। क्या आ गया डिप्टी कमिश्नर के पास? अभी नहीं आया सर, ट्यूसडे को आना, बस दो दिन में वो आ जाएगा। इसके बाद एक 7 दिन का समय इनके पास होता है, इन्होंने आगे नोटिस देना होता है, वो नोटिस देंगे, रिजर्वेशन का फाइनल सीटें हो जाएंगी, कौन सी किसकी मिलेंगी, इतने प्रक्रिया के बाद फिर ये चुनाव आयोग के पास जाएगा और चुनाव आयोग का एक लगभग 30 दिन का 35 दिन का समय होता है जिसमें चुनाव कराते हैं। तो ये सब प्रक्रिया, चूंकि पहले हमने 30 सितंबर तक कहा था करना संभव नहीं था, इसलिए बाद में दशहरा दिवाली भी आ गया अगले महीने, तो उन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमने परमिशन मांगी कि 30 नवम्बर तक हमने कोर्ट को लिख के देना था, हम कोर्ट को लिख के दे रहे हैं कि 30 नवम्बर तक चुनाव।